नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग को ग्रह साक्षरता चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बची हुई ऊन से इस तरह का थल पोश डिजाइन लेकर के आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, नॉट लगा करके सिक्स चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिक्स चेन लेने के बाद पहला वाला चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। थ्री चेन लेंगे। 1 2 3 और इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। टू थ्री फोर, ये जो थ्री चेन लिए हैं फ्रेंड्स, इसको छोड़ करके 20 डबल क्रोशिया बनाना है। कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह 20 डबल क्रोशिया हो गया है। इसको पहला वाला चेन से जोड़ करके इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से अब इसी लूप में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसको इस तरह से लेते हुए चलेंगे ताकि एडजस्ट हो जाए। इसमें सेकंड चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में टू सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये पहला वाला चेन से इसको ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। टू थ्री फोर चेन लेंगे और 1 और 2 चेन छोड़ करके, दिख रहा होगा फ्रेंड्स, 2 चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर 4 चेन लेंगे। 2 3 4 चेन लेंगे और 2 चेन स्किप करेंगे। 1 और 2 और थर्ड वाला चेन में डाल करके इस तरह से इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 और 2 चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में इस तरह से बना देंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यह 4 चेन ले लिए हैं और इसके जहाँ से चेन शुरुआत किए थे 2 चेन छोड़ करके, 1 और 2 चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं से इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको छोड़ देंगे इस कलर को और फिर ये दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। और इसमें 4 चेन वाला जो लिए थे ब्लॉक, उसी में से सिंगल क्रोशिया इसको बना देंगे। 2 चेन लेंगे और इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
यह थ्री डबल क्रोशिया हो गया। चेन को लेते हुए फोर, ये फाइव डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें भी फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट जो फोर चेन वाला है, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर नेक्स्ट में भी फाइव डबल क्रोशिया बना देंगे, वन टू, इसी तरह से ये पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। और इसमें थर्ड वाला जो चेन है, इसमें से डाल करके इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे, और नेक्स्ट चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, वन टू थ्री, अरे फोर सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। और ये जो फाइव वाला जो सिंगल जो फाइव चेन है, इसमें टू सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक इंक्रीज कर देंगे। फिर से फोर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, ये जो फाइव है चेन, इसमें टू बना देंगे, टू सिंगल क्रोशिया, वन टू, इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद इसको ये जो रेड कलर का जो ऊन है, इसको कट कर देंगे, धागे को थोड़ा सा बड़ा करके इसमें एडजस्ट कर देंगे इसको। इसी तरह से ये पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये पहला वाला जो चेन है, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, फोर चेन बनाएंगे, टू थ्री फोर चेन बनाएंगे, और टू चेन स्किप करके थर्ड वाला चेन में डाल करके स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से फोर चेन लेंगे, टू थ्री फोर, और वन टू चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में स्किप कर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से फोर चेन लेंगे, टू थ्री फोर चेन लेंगे, और टू चेन स्किप करके थर्ड वाला चेन से स्लिप स्टिच कर दें। इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह रो कंप्लीट हो गया है। और जहाँ से चेन शुरुआत किए थे, उसी में डाल करके इस तरह से ये जॉइंट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे, वाइट वाला, और इसको इस तरह से, और इसको थोड़ा बड़ा करके अब इसको कट कर देंगे। टू चेन लेंगे, टू चेन लेने के बाद इसके साथ इसको लेते हुए इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, इसको इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक टू चेन लेंगे और इसमें डाल करके डबल क्रोशिया
बना देंगे। यह चेन लेते हुए ये थ्री डबल क्रोशिया हो गया, यह फोर डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में जो नेक्स्ट चेन वाला जो गैप था इसमें भी फोर डबल क्रोशिया बना देंगे। वन टू थ्री फोर, फिर नेक्स्ट में भी फोर डबल क्रोशिया बना देंगे। वन टू थ्री फोर, इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। और ये पहला वाला जो चेन लिए थे इसी में इसको डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से इसके बाद इसमें इस तरह से डालते हुए फंदा लेते हुए इस तरह से डाल करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। वन चेन लेंगे और जो चेन दिख रहा है बगल में इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इस चेन को छोड़, इस डबल क्रोशिया को छोड़ करके नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसमें डाल करके इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। वन चेन लेंगे और ये यहाँ चेन में डबल क्रोशिया को डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, यहाँ पर बिना चेन लिए फंदा डाल करके इसमें इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना दिए हैं। इसमें डाल करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। वन चेन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद इसमें डाल करके इसी तरह से ये पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा रो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद पहला वाला चेन से इस तरह से जोड़ करके स्लिप स्टिच कर देंगे। टू चेन लेंगे, टू चेन लेकर के लूप और इसको जिसमें इस तरह से किए थे इसी में फिर से ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद वन चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। डबल क्रोशिया जो बनाए थे इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर ये लूप लेंगे और जिसमें इस तरह से बनाए थे इसी में फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। तो फिर से इस तरह से बनेगा। फिर वन चेन लेंगे और इसमें गैप में वन चेन का गैप में इस तरह से जाके प्लेन डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट इसे नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से धारी धारी टाइप का जाएगा। वन चेन लेंगे इसके बाद और जो एक चेन का गैप दिए थे इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। ये इस तरह से यह पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह रो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद टू चेन लेंगे और टू चेन लेने के बाद इसको इसी तरह से बना देंगे। वन चेन लेंगे और इसमें अब
टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो वन चेन का जो गैप था इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें फिर से नीचे से इस तरह से लेते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे। वन चेन लेंगे और वन चेन के गैप में हम टू डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर फिर से नीचे से इस तरह से लेते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे और यहाँ टू डबल क्रोशिया वन चेन का गैप में बना देंगे। इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे, जॉइंट कर देंगे, टू चेन लेंगे और इसके नीचे से डाल के इसको डबल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे और यहाँ पर वन चेन के गैप में टू डबल क्रोशिया बना देंगे। सेम जो पहला राउंड कंप्लीट किया उसी तरह से ये भी राउंड चलेगा। फ्रेंड्स वन चेन लेंगे और यहाँ टू डबल क्रोशिया बना देंगे। वन चेन इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स यह दो दो डबल क्रोशिया वाला हम तीन राउंड बना दिए हैं और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद यहाँ पहला जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ पर आके इसका स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, टू चेन लेंगे और इसी में डाल करके जैसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन लेंगे। ये जो टू चेन टू डबल क्रोशिया बना रहे थे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम वन चेन लेने के बाद थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशिया इसके बाद इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे और यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया बना देंगे। टू थ्री इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स एक राउंड और बना देंगे यही थ्री डबल क्रोशिया वाला का, ठीक कंप्लीट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट कर लिए हैं थर्ड राउंड वाला। देखिए फ्रेंड्स वन वन डबल क्रोशिया का एक हो गया, वन वन डबल क्रोशिया का दो लाइन बनाए हैं और टू डबल क्रोशिया का तीन लाइन बनाए थे फ्रेंड्स, वन टू थ्री और तीन तीन डबल क्रोशिया का तीन लाइन बनाए, वन टू थ्री। अगर आप और इससे बड़ा बनाना चाहती हैं फ्रेंड्स तो तीन लाइन के बाद चौथा लाइन में आप चार डबल क्रोशिया कर दीजिए, उसका भी तीन लाइन बना दीजिए, फिर पांच डबल क्रोशिया कर दीजिए। इसी तरह से डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए आप बड़ा बना सकती हैं। देखिए इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दिए हैं, ज्वाइंट करके वन चेन लेकर के इसको यहाँ पर कट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा कलर लगाएंगे। नॉट लगा करके फ्रेंड्स यहाँ पर ये कलर को ज्वाइंट करेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बना देंगे। इसके बाद टू चेन लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे,
थ्री डबल थ्री चेन लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी में थ्री चेन लेंगे और इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे। इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री चेन लेंगे और इस तरह से यह थ्री हो गया। डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री चेन लेंगे, टोटल टू वन टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें सिंगल क्रोशिया से इसमें ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर टू चेन लेंगे और इसमें डालते हुए नीचे से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। टू चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया करते हुए इसमें इससे ज्वाइंट कर देंगे। टू चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया जो बनाते हैं इसमें। यह बहुत आसान है फ्रेंड्स और जल्दी ही बन के तैयार हो जाता है। टू चेन लेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। टू चेन लेंगे, ज्वाइंट कर देंगे, टू चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर, टू चेन लेंगे, इसी तरह से वन चेन लेकर के यहाँ पे इसको कट कर देंगे। यह बची हुई ऊन से बहुत ही खूबसूरत थालपोश बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। यह इस तरह से बन गया। यहाँ पर दूसरा कलर लगा के दिखाते हैं फ्रेंड्स। दूसरा हम यहीं पर ज्वाइंट करेंगे जहाँ से ये शुरुआत किए थे। सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर दिए। टू चेन लेंगे और इसी में इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। थ्री चेन लेकर के डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री चेन लेंगे और ये टू चेन का जो है इसी से दोनों लूप में डालते इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री चेन लेंगे, यह वन टू थ्री फोर डबल क्रोशिया हो गया, यह लास्ट फाइव डबल क्रोशिया हो गया। थ्री चेन लेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे और इसको इसमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। टू चेन लेंगे और इसमें डालते हुए नीचे से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। टू चेन लेंगे, टू चेन लेंगे,
टू चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, अगर यहाँ पर फाइव डबल क्रोशिया होगा फ्रेंड्स तो ये सात डबल क्रोशिया यहाँ पर बनेगा, सेवन डबल क्रोशिया। अगर यहाँ पर सिक्स डबल क्रोशिया होगा तो यहाँ पर एट डबल क्रोशिया यहाँ पर बनेगा। इसी तरह से यह पूरे थल पोस कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो दो रंग से भी बना सकते हैं और नहीं तो एक पूरे रेड से भी बना सकते हैं इसको अपने से, या मल्टी कलर में। तो फ्रेंड्स इसको बना करके कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अगर यह थल पोस डिज़ाइन आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा थल पोस डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।